तो ये आप गाड़ी चलाते हो राइट, तो आप ये कौन सा गाड़ी है? अच्छा पोर्श है। तो आपको पता है कि इसका कीमत क्या है? एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, सब लोग पढ़ता लिखता है ना, आपका भी फैमिली है? बिल्कुल है ना। तो फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं पढ़ लिख लो बेटा, तो वो ऐसा बोलते हैं कि पढ़ लिख लो बेटा, बड़ा गाड़ी घर वर खरीदने को मिलता है, वो तो सब ठीक है, ठीक है सब बोलते हैं राइट। तो अभी आप मुझे ये बताओ, अगर सब लोग पढ़ते हैं तो फिर ऐसा गाड़ी हम लोग को हर जगह पर क्यों नहीं दिखता है? सर हर एक के कभी कैसे, जो पहले जो लोग ने भी बनाया है सब कुछ पहले के, तो आप जैसे गरीब लोग पढ़ लिख के सिर्फ थोड़ा सा अपना पेट पाल सकते, इतना बड़ा गाड़ी नहीं ले सकते, इतना बड़ा गाड़ी नहीं ले सकते, पेमेंट वैसा होना चाहिए। आपको पता है ये ओनर क्या काम करते, इतना बड़ा गाड़ी ले लिया उन लोगों ने? किधर आएंगे आपको टीवी? ये यूट्यूब के चैनल के लिए, यूट्यूब मैं सबको पूछता, मैं सभी को पूछता, क्योंकि मेरा अभी जो मेरा ऑडियंस है ना, तो वो लोग देख के थोड़ा सा अंदर से प्रेरणा लेता है कि नहीं मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा सा अच्छा गाड़ी दिखता है तो मैं भी कुछ करूँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब सबके लिए पॉसिबल है कि जो 5 बजे सुबह काम के लिए जाता है, जो 9 बजे काम के लिए जाता है, 5 बजे रिटर्न आता है, पॉसिबल नहीं है करने वाला आदमी? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कितना पेमेंट पाएगा? एक गाड़ी तो करोड़ों में रहेगा, करोड़ों के ऊपर ही, करोड़ों के ऊपर है, तो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों इंडिया में पॉसिबल नहीं है का? हर जगह पर नहीं दिखता है गाड़ी, आम आदमी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता है। श्योर श्योर? तो ये क्या बिजनेस है? तो बिजनेस से हो सकता है, बिजनेस वाला ही ले सकता है। आपको पता है क्या क्या काम करता है ये, मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग भी कुछ प्रेरणा कुछ सीख ले। मैं क्या बोला, जो ये लोग जो पहले से ये कुछ कर पाए लोग, लोगों के लिए कुछ। अच्छा ये जो गाड़ी के जो ओनर है वो क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और क्या कर लेते? हम लोग भी वही करेंगे यार। फिर तो बिजनेस बोले तो क्या आपको इतना नहीं बता सकते कि आप बाहर है बल्टो चलो निकलो अरे रे इतना कुछ बता दे डीप तो कुछ जाएंगे। अच्छा कुछ आप बोलना चाहोगे जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो छोटे लोग, जो लोग लगता है कि नहीं बहुत टफ है या फिर मैं कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया, जो कॉलेज स्कूल में जो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फेल इसलिए होते हैं कि वो कुछ अपने ज़्यादा करके पढ़ाई नहीं कर पाते, खुद पे जिद नहीं है। तो आपको क्या नेसेसरी है कि मतलब पढ़ना लिखना आना चाहिए तो ही बड़ा गाड़ी ले पाएंगे? नहीं सर देखो, ये तो जन्म छोड़ दे, तो पढ़ लिख के कोई सीए बने या कोई बड़ा इंजीनियर बने, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, बट वो इंजीनियर तो अभी हर जगह है तो फिर उसका वैल्यू नहीं है। अगर आप बहुत सारे आपके घर पे सेफ पड़ा हुआ है और उसमें से एक आम है, तो आप सेफ को उतना भाव नहीं देगा, पहले आम खाओगे आप, राइट? तो फिर इतने इंजीनियर तो हो गए, तो फिर वो लोग क्यों नहीं खरीद पाते इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ? लाइन इसमें से दो लाइन है, एक है बेइज्जत वाली, एक बेइज्जत वाली, बराबर? जहाँ घुस दो वो काम करो, वही ले सकते हैं, वही ले सकते। तो बाकी आप, अरे आपका नाम नहीं पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष नाम है। सुभाष, और कुछ बोलना चाहोगे सर, जो जो लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा कुछ मैसेज, अगर वो लोग सोच रहे हैं बड़ा होने वाले है, कॉलेज विलेज में पढ़ते हैं, फिर उनके लिए एक मैसेज है, मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है, मेहनत करो बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। आपका एक तस्वीर लूँ गाड़ी के साथ? अच्छा आप थोड़े से बाहर आएंगे, एक बस तस्वीर लेना चाहता हूँ। थैंक यू बहुत जब तक जाएगा भाई सब नहीं, यूट्यूब पे आपका मैं चैनल का भी नाम दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का, हम लोग को ऐसा थोड़ा सा प्रेरणा देने के लिए। थैंक यू आपका दिल अच्छा जाए।